साका नवंबर 1984 हिंदू तब दा महातांडव पतवंते सिखा उत्ते भी कहर ठठा अते फौज बुलाउण विच कीती गई देरी दा वेरवा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आम हालतां अंदर समाज दे तनाड़ लोक अपनी आर्थिक हैसियत दी बदौलत विशेष हक सहूलतां माणदे हन, पर जद बहुगिणती वर्ग नूं फिरकू हलका उठ पैंदा है तां घट गिणती भाईचारियां दे तनाड़ वर्ग दा उचेचा रुतबा इको झटके नाल मिट्टी विच रुल जांदा है। उदों उन्हां दी देश दे हाकमां नाल सांझ अते नेड़ता दा मुल काणी कौड़ी भी नहीं रह जांदा अते उन्हां नूं अपने भाईचारे दी होनी हंडाउणी पै जांदी है। नवंबर 1984 विच दिल्ली अते होरना शहरां दे तनाड़ सिखां नाल भी इहो बीती। चोटी दे सनतकार सरदार रौनक सिंह तों लै के पंजाब एंड सिंध बैंक दे सरदार इंदरजीत सिंह तक किन्ने ही सिख कनाडा नूं जिन्ना भारी आर्थिक नुकसान झलना पिया उस नालों कई गुणा ज़्यादा अपमान झलना पिया। उन्हां नूं अपने घर छड्ड के अपने हिंदू दोस्तां दे घर विच शरण लैणी पै गई सी। इस संबंध विच दिल्ली दे महाराणी बाग विच एक महल नुमा घर विच शाही ठाठ बाठ नाल रह रहे एक अरबांपति सिख सरदार मुखिंदर सिंह की कहानी सब कुछ कह देंदी है। मुखिंदर सिंह दे नहरू परिवार नाल बहुत ही गूढ़े संबंध सन। उसका बंगला की सी प्राचीन वस्तां दा मनु अजायब घर ही सी जिथे उसने पुरातन हथियारां अते कलामई किरतां दा बहुमुला खजाना इकट्ठा करके रख्या होया सी। 2 नवंबर की सवेर नूं उस दी नींद हिंदू भीड़ां दीआं चांगरां अते ललकारियां ने तोड़ी। ओह अते उस दी पत्नी अजे बिस्तरियां विच ही सन जदों दन दनाउंदा हजूम उन्हां दे घर विच घुस आया। हजूम ने उन्हां दी अमीरी दा इन्ना लिहाज जरूर कीता कि उन्हां नूं कोई जिस्मानी नुकसान पहुँचाउण दी बजाए घर विचों कढ के गली विच धक्क दित्ता। गली विच खलोते ओह अहिल बुत्तां दी तरां अपनी जीवन भर की कमाई दीआं चीकरां हुंदीआं वेखदे रहे। पलां विच ही कीमती वस्तुआं दे नाल ही उन्हां दा सारा गौरव स्वैमान अते अरमान चीकरां हो के बिखर गए सन। सरदार पतवंत सिंह वल्लों दिल्ली राजस्थान सड़क ते बड़ियां रीझां नाल बनाए फार्म हाउस दा भी इहो हशर होया सी। सरदार खुशवंत सिंह ने 31 अक्तूबर की शाम नूं ही अपने घर उत्ते लगी फटी तां उतार दित्ती सी, पर उसदे घर विच पईआं बेशुमार किताबां मूर्तियां ते पेंटिंगां सिख इतिहास दे चित्र बुद्ध दा बुत आदि सब कुछ साड़ के सुआह कर दित्ते जाण दे खतरे ने 3 दिन उसदी जान सूती रखी सी। उसने किसी नवीं लिखी जा रही पुस्तक दा खरड़ा चुकिया अते उसदे एक हिंदू दोस्त दे कहण ते स्वीडन दे सफारतखाने द्वारा भेजी गई कार विच बैठ के सफारतखाने विच चला गया। 3 दिन वह उत्थे ही शरणार्थी बन के बैठा रहा। बाद विच उसने अपनी दशा बयान करदे हुए लिखिया है कि जद दिल्ली अंदर सिखां दे घर उस तरीके नाल तबाह किए जा रहे सन जिस तरीके नाल जारशाही दे जमाने विच रूस अंदर जां नाज़ीवाद दे दौर वेले जर्मनी अंदर जहूदियां दे साड़े गए सन, मैं अपनी वारी दी उडीक करदा रहा। मैं अपने आप नूं शिकारगाह विच लुके बैठे उस तित्तर दी तरां महसूस कीता जिस नूं हुणे ही उस दी छुपण गाह विचों बाहर कढ के गोली नाल फुंड दिता जाएगा। पहली बार मैनू यह अहसास होया कि नाज़ी जर्मनी अंदर जहूदियां अते दंगियां नाल विन्ने पेवंडी जलगाओं मुरादाबाद रांची अते होरना थावां ते भारती मुसलमाना ने किस तरह महसूस किया होगा। पहली बार मैनू समझ पई कि कतलेआम घल्लूघारा अते नसलकुशी वर्गे शब्दां दे असली अर्थ की होंदे हन। फ
फौज बुलाउण विच कीती गई देरी दा कांड। 1 नवंबर तक यह गल चिट्टे दिन वांग साफ हो गई सी कि दिल्ली की पुलिस लुटमार ते कतलो गारत नूं रोकण विच पूरी तरह अयोग साबित हो गई सी। उस अंदर हिंसा नूं रोकण दी ना रुचि ते ना इच्छा सी अते ना उस दी इस पद्धर दी फिरकू हिंसा नूं कंट्रोल कर सकण दी समर्थ। अजिही हालत दे मद्देनज़र दिल्ली प्रशासन दा यह संविधानक ते मनुखी फर्ज बनदा सी कि उस वल्लों फौरन फौज बुलाउण दा फैसला लिया जांदा अते इस नूं फुरती नाल सारे हिंसा ग्रस्त थावां ते तैनात किया जाता। कलकत्ते अंदर अजिहा ही किया गया सी। 31 अक्तूबर नूं देश अंदर सिख विरोधी हिंसा की सब नालों पहली वारदात कलकत्ता शहर अंदर वापरी सी, जिथे सवेरे 11 बजे के करीब ही जदों अजे इंदिरा गांधी के गंभीर रूप में जख्मी होने की खबर ही नशर हुई सी। राइटर्स बिल्डिंग के नज़दीक कांग्रसी वर्करां ने एक सिख नूं फड़ के कुटना शुरू कर दिता सी। दोपहर तक हिंसा का यह सिलसिला शहर के बहुत सारे भागों में फैल गया सी। मार कुटाई तो वध के 10 के करीब सिखां नूं जानों मार, पर बंगाल सरकार ने हिंसा की अग नूं होर वध फैलण तो रोकण लई फुरती नाल फौज सद लई सी। बाद दोपहर 2:30 बजे के करीब फौज ने शहर अंदर चार्ज संभाल लिया सी अते हिंसा उत्ते तुरंत काबू पा लिया गया सी। इस दी तुलना विच दिल्ली प्रशासन ते केंद्रीय मंत्री मंडल ने दिल्ली अंदर फिरकू हिंसा जिहड़ी के कलकत्ते नालों किते वध भयानक रूप धारण कर गई सी दे वर्तारे प्रति जिवें लम्मी केसल वट्टी रखी, उस तों उन्हां दी नीत ते इच्छा साफ प्रगट हो जांदी है। दिल्ली दे सिविल अधिकारियां ते राजसी हुकमराना ने पहला फौज तैनात करन दी मंग लम्मा समा अणसुणी कर रखी। काफ़ी चिरां बाद जाके भारत सरकार द्वारा दिल्ली दे कतलेआम दी अदालती पड़ताल करवाउण लई स्थापित कीते गए कमिश्नर ने इन्नी को गल निचक मनी है, भावें कि उन्हां इस दे कारणां दी तह तक जाण अते इस दी जिम्मेवारी निश्चित करन दे कार्ज तों साफ टाल मटोल कीती है। अलग अलग सोमियां तों हासिल होए तत्त दर्शाउंदे हन कि 31 अक्तूबर दी शाम नूं ही दिल्ली अंदर फौज सद्दण दी मंग बकायदा रूप विच उठ खड़ी होई सी। सूत्रां मुताबक इंदिरा गांधी दे कतल तों बाद प्रधानमंत्री दी रिहायश 1 नंबर सफदरजंग विखे एक उच्च पद्धरी हंगामी मीटिंग होई सी, जिस विच लैफ्टिनेंट गवर्नर पीजी गवई, कांग्रेस के प्रभावशाली आगू मक्खण लाल फोतेदार ते दिल्ली दे पुलिस कमिश्नर सुभाष चंद्र टंडन तो इलावा कुछ होर अहम सिविल ते पुलिस अधिकारी शामिल होए सन। मीटिंग विच हाजिर एक सीनियर पुलिस अफसर ने वड्डी कतलो गारत छिड़ पैण दे खतरे की चेतावनी देंदे हुए फौरी फौज तैनात किए जाने का सुझाव रखिया सी, पर किसी ने भी इस सुझाव ते विचार करने की लोड़ नहीं सी समझी। सुप्रीम कोर्ट के प्रसिद्ध वकील राम जेठ मलानी ने नानावती कमिशन के सामने गवाही देंदे हुए दसिया सी कि उसने 31 अक्तूबर की शाम को ही गृह मंत्री नरसिम्हा राव के घर जाके उस नाल अद्धा घंटा गलबात की सी, जिस विच उसने फौरी फौज सद्दण लई जोर दिता सी। पर जेठ मलानी दे दसण अनुसार गृह मंत्री ने इस मसले प्रति बेपरवाही वाला रवैया धारण करी रखिया सी। अगले दिन जदों सारे शहर अंदर फिरकू हिंसा दे भांबड़ बल उठे सन अते सिखां दा व्यापक पैमाने ते कतलेआम शुरू हो चुका सी, तां अनेकां ही पतवंते शहरियां विरोधी धिर दे सियासी आगूआं ते खुद सिविल प्रशासन अंदरले ही कुछ नेक दिल अपने पद्धर ते गृह मंत्री तों लै के राष्ट्रपति तक पहुँच करके तुरंत फौज तैनात करन लई हाल पारिया कीता सी। पर इन्नियां व्यापक ते पुरजोर अपीलां दे बावजूद प्रशासन ने दिन भर फौज तैनात करन बारे
कोई असरदार कदम नहीं सी उठाया। जदों के सारे शहर अंदर हिंसक भीड़ां नूं साड़ फूक लुटमार ते कतलो गारत करन लई आजाद खुला छड़ दिता गया सी। 2 नवंबर दीआं अखबारां विच 1 नवंबर नूं फौज तैनात कर देण दीआं खबरां जरूर छप गईआं सन, पर हकीकत विच 2 नवंबर दी दुपहर तक भी शहर अंदर फौज की कोई नकलो हरकत ते असरदार भूमिका नज़र नहीं सी आई। असल विच जिवें पहला फौज नूं बुलाउण विच कोई तद्दी नहीं सी दिखाई गई, उवें ही जदों बेहद पछड़ के फौज बुला ली गई जां बुलाउणी पै गई सी तां उस नूं असरदार बनाउण विच उक्का ही कोई रुचि नहीं सी दिखाई गई। सिविल प्रशासन दा कार्ज फौज नूं बुला लैण जां खाली तैनात करन दे हुकम जारी कर देण नाल ही पूरा नहीं हो जांदा। फौज नूं प्रभावकारी बनाउण लई फौज ते सिविल प्रशासन विचकार नेड़ला ते गूढ़ा तालमेल स्थापित करना पहली जरूरी लोड़ हुंदी है। सिविल प्रशासन ने फौज नूं हिंसाग्रस्त खेतरां ते तत्तां बारे असरदार जानकारी मुहैया करनी अते इस तरह हिंसा नूं काबू करन विच फौज नूं अति जरूरी सहयोग मुहैया करना हुंदा है। पर दिल्ली विच जो होया वह इस दे एकदम उल्ट सी। फौज पुलिस ते सिविल प्रशासन विचकार आपसी तालमेल स्थापित करन लई सांझा कंट्रोल रूम केंद्र कायम करना सब नालों पहला ते जरूरी कदम होना चाहीदा सी, पर अजिहा कुछ भी नहीं कीता गया। सिविल प्रशासन दा सदर दफ्तर पुरानी दिल्ली विच सी, पुलिस दा हैडक्वार्टर इंद्रप्रस्थ स्टेट विच अते फौज दा कमांड सौनी विखे सी। आपसी तालमेल दी घाट ते पुलिस वल्लों जरूरी सहयोग ना मिलन करके फौज जदों तैनात भी कीती गई तां उह अपना रोल पूरे असरदार तरीके नाल ना निभा सकी। कई थावां ते उसदा कीमती समां अजाई बर्बाद हुंदा रिहा अते उह बेमतलब इधर उधर गेड़े कढ़दी रही। जो फौज तैनात कीती गई उसदी नफरी भी लोड़ नालों किते घट सी। 1 ते 2 नवंबर नूं जदों फिरकू हिंसा ने सब तों भीषण रूप धारिया होया सी उदों हाकमां दा हिंसा रोकण विच घट अते इंदिरा गांधी दे जनाजे नूं सफल बनाउण ते वध लग रिहा सी। 3 मूर्ति हाउस जिथे इंदिरा गांधी दी मृतक देह नूं 3 दिनां तक टिका के रखिया गया सी उत्थे सुरक्षा लई लगातार 10,000 दी संख्या विच पुलिस तैनात कीती गई सी। पैट्रियट दी रिपोर्ट मुताबक जनाजे मौके सड़कां ते खड़े करन लई फौज दे एक पूरे ब्रिगेड जिस विच 8,000 जवान सन तों इलावा समुंदरी ते हवाई सेना दे होर 1,000 जवानां दा इंतजाम कीता गया सी। इस दी तुलना विच 2 नवंबरपुरी दी बस्ती अंदर हलकाइयां भीड़ां वल्लों बेरहमी नाल मारे ते साड़े जा रहे सिखां दीआं चीकां दी कुरलाहट दूर दूर तक सुनाई दे रही सी तां मौत दे जबाड़िआं विच फसे सैकड़े गरीब सिख परिवारां दी रक्षा करन लई प्रशासन ने सिर्फ 3 पुलिसीए भेजे सन। हाकमां दीआं तरजीहां विच इह उगड़वां फर्क अकारण ते बेअहम नहीं सी ते घट कुशगना भी नहीं सी। सो लगभग 36 घंटिआं तक कातल ते लुटेरे गुरोहां नूं खुली छुट्टी देई रखण तों बाद अखीर 2 नवंबर नूं जद फौज तैनात करन दा सिलसिला शुरू कीता गया तां इस नूं बेहद सुस्ती नाल अते किश्तां विच नेपरे चाढ़िया गया सी। 2 नवंबर नूं जो फौज हिंसाग्रस्त खेतरां अंदर तैनात कीती गई सी दरपेश कार्ज दे सन्मुख उस दी नफरी मूलों ही थुड़वी सी। 3 नवंबर नूं इंदिरा गांधी दे जनाजे तों बाद ही फौज दे होर वधेरे दस्ते हिंसाग्रस्त खेतरां अंदर भेजे गए सन, पर उदों भी ज़्यादातर थावां ते फौज उदों पहुंची जदों भारी नुकसान हो चुका सी। उदों भी फौज ने दंगाकारियां विरुद्ध कठोर कार्रवाई करन तों सुचेत रूप विच गुरेज़ कीता। इस दा पता गोली चलाउण दीआं वारदातां तों चलदा है। सारे अमल दौरान फौज वल्लों कुल 12 थावां ते गोली चलाई गई जिस विच सिर्फ 2 व्यक्तियां दी मौत होई
ते चार जने जख्मी होए सन। इस दी तुलना विच 1993 विच बंबई अंदर होए हिंदू मुस्लिम दंगियां मौके फौज वालों गोली चलाउण दीआं वारदातां अते इस नाल होईआं मौतां दोनां दी गिणती किते वध सी। सो दिल्ली अंदर फौज द्वारा दिखाया गया ये संकोच सबबी नहीं हो सकता। इस दे पिछे फिर किसी सुचेत निर्णय का हाथ होने का गंभीर शक पैदा होता है। उपरोक्त समुचे घटनाक्रम की घोखवी छानबीन करन तों बाद सब नालों पहला ते अहम सवाल यह खड़ा होता है कि जदों 31 अक्तूबर नूं ही तेजी नाल विगड़ती जा रही हालत के मद्देनज़र किन्ने सारे पासियां तों फौरी फौज बुलाउण दी पुरजोर मंग उठ खड़ी हुई सी ता फौज नूं सद्दण विच इन्नी देरी क्यों कीती गई। इस सवाल का जवाब देण दी जिम्मेवारी घट्टो घट 5 व्यक्तियां दे सिरां दिल्ली दा प्रमुख प्रशासक होण दे नाते सब नालों वध के तत्काली लैफ्टीनेंट गवर्नर श्री पद्माकर गवई दा यह फर्ज बनदा सी कि वह केंद्रीय गृह मंत्री नूं समुची हालत तों जाणू करवाउंदा अते इस आधार ते उस कोल फौरी फौज तैनात करन दी सिफारिश करदा। लैफ्टीनेंट गवर्नर ने अपना यह संविधानक फर्ज निभाया जां नहीं जां किस हद तक निभाया यह सवाल मुकम्मल छानबीन दी मंग करदा है। दिल्ली अंदर अमन कानून कायम रखण दी सब तों पहली जिम्मेवारी दिल्ली पुलिस दी सी। इस करके 31 अक्तूबर नूं ज्यादे निश्चित हो गया सी कि दिल्ली पुलिस फिरकू हिंसा नूं रोकण ते दबाउण विच पूरी तरह असमर्थ जां अयोग साबित हो गई सी। तां दिल्ली पुलिस दे उस वेले दे कमिश्नर सुभाष चंद्र टंडन दा यह जरूरी संविधानक ते नाल ही नैतिक भी फर्ज बनदा सी कि वह दिल्ली दे प्रमुख प्रशासक ते नाल ही केंद्रीय गृह वजारत अगे तुरंत फौज बुलाउण दी सिफारिश करदा। उसने अपनी यह संविधानक ते नैतिक जिम्मेवारी किस हद तक निभाई यह सवाल भी बराबर डूंगी ते भरवीं पड़ताल का विशा बनना चाहीदा है। उस वेले दिल्ली का दर्जा केंद्रीय शासित राज दा सी, इस करके दिल्ली अंदर अमन कानून कायम रखना केंद्रीय गृह वजारत दे अधिकार खेत्र विच आउंदा सी। इस बिना ते उस मौके ते केंद्रीय गृह मंत्री पीवी नरसिम्हा राओ दी भी बराबर यह संविधानक जिम्मेवारी बनती सी कि जेकर लैफ्टीनेंट गवर्नर ते पुलिस कमिश्नर ने तुरंत फौज बुलाउण दी सिफारिश नहीं भी कीती सी तां वी उस वल्लों अपने पद्धर ते ही यह निर्णा लिया जाना चाहीदा सी। इस संदर्भ विच गृह मंत्री दे समुचे रोल नूं अंगिया तोलिया जाना चाहीदा है। प्रशासन द्वारा फौज बुलाउण दा निर्णा कर लैण तों बाद लोड़ींदी मात्रा विच फौजी दस्ते मुहैया करने अते उहनां नूं चुस्ती फुरती नाल घटनाग्रस्त थावां ते भेजणा रक्षा वजारत ते फौज दे संबंधित अफसरां दी जिम्मेवारी बन जांदी है। इस करके इस अमल दौरान होई जां कीती गई देरी ते ढिल मठ दा जुम्मा उस मौके दे रक्षा मंत्री राजीव गांधी जो कि उस वेले प्रधानमंत्री दे नाल ही रक्षा महकमे दा भी वाली वारस सी ते फौज दे दिल्ली खेतर दे जनरल आफिसर कमांडर मेजर जनरल जे एस जामवाल सिर आउंदा है। कायदे मुताबक इस सारे मसले दी फौरी उच्च पड़ताल होनी चाहीदी सी पर अजिहा नहीं होया। छेती ही जद भारतीय हाकमां नूं इह महसूस होया कि फौज बुलाउण विच कीती गई देरी दा उन्हां कोल कोई भी तसल्ली बख्श जवाब नहीं सी जिस करके उन्हां नूं इस मसले ते देश अंदर ते खास करके कौमांतरी पद्धर ते तिखे अणसुखावे सवालां दा सामना करना पै सकदा सी तां उन्हां अजिही अणसुखावी हालत तों बचण लई दिल्ली दे लैफ्टीनेंट गवर्नर पी जी गवई नूं बली दा बकरा बनाउण दा सौखा ते मौका परस्त राह चुण लिया। 2 नवंबर नूं प्रधानमंत्री दे मुख सकत्तर पी सी अलगजेंडर ने लैफ्टीनेंट गवर्नर नूं फौरी जबरी छुट्टी ते चले जाण दा हंगामी आदेश जारी कर दिता सी अते इस दे नाल ही उस वेले दे मुख गृह सकत्तर एम एम के वली नूं
गवई की थां नवां लैफ्टिनेंट गवर्नर थाप दिता गया सी। भारतीय हाकमां की यह कार्रवाई किसी सुहिरद भावना का प्रगटावा नहीं करती सी, क्योंकि एक तो जिमें अगे जा के वेख्या जाएगा फौज नूं सद्दण विच कीती गई देरी का दोष इकल्ले लैफ्टिनेंट गवर्नर सिर नहीं मड़िया जा सकता। दूजा एम एम के वली का अपना रिकॉर्ड किसी तरह भी गवई नालों वखरा जां बेहतर नहीं सी। वली जिस होम सी वह सारे समय दौरान गूढ़ी नींद सुती रही सी, इस करके गवई नूं हटा के वली नूं लैफ्टिनेंट गवर्नर थाप देना महज अखां पुंजण वाली गल सी। अजिहा करके भारतीय हाकमां ने अपने वलों इस मसले उत्ते मिट्टी पाउण दा जतन कीता सी, पर दो दहाकियां बाद जाके नानावती कमिशन वलों दिल्ली अंदर होए कतलेआम दी जांच पड़ताल दे अमल दौरान जद ये मसला मुड़ तो उठ खड़ा होया तां दोषियां विचकार पाप दा बोझ एक दूजे उत्ते सुट देण दी जानी पछाणी मौका प्रस्त खेड शुरू हो गई। उस समय दिल्ली खेतर दे जीओसी जनरल आफिसर कमांडिंग मेजर जनरल जे एस जमवाल राजपूताना राइफल्स रेजिमेंटल सेंटर दिल्ली दे कमांडेंट ब्रिगेडियर ए एस बराड़, तत्काली गृह मंत्री पी वी नरसिम्हा राव, दिल्ली पुलिस दे उस वेले दे मुखी सुभाष चंद्र टंडन अते दिल्ली दे तत्काली लैफ्टिनेंट गवर्नर पी जी गवई वालों नानावती कमिशन अगे आपो अपना पक्ष पेश करदे होए दित्तियां गईयां गवाहियां ने देश दे हाकमां ते प्रशासकां नूं पूरी तरह बेपरद करके रख दिता। कांग्रसी हाकमां ने पार्लीमेंट अंदर ते कमिश्नां सामने मुख बहाना यह लाया कि सरकार कोल दिल्ली विच अचानक एकदम फौज तैनात करन लई लोड़ींदी संख्या विच फौजी टुकड़ियां हासिल नहीं सन, पर ठोस तत्थ उन्हां दे इस झूठ ते कपट दा पर्दाफाश कर देंदे हन। तत्थ की दर्शाउंदे हन? 31 अक्तूबर नूं इंदिरा गांधी दे कतल दे फौरी बाद डिफेंस मिनिस्ट्री ने हिंसा भड़क पैण दे खतरे नूं भांपदे होए मेठ दे जीओसी नूं भेजे एक आदेश राहीं फौज दी एक टुकड़ी फौरी दिल्ली भेजण लई कह दिता सी। इस आदेश उत्ते अमल करदिआं जीओसी ने सिख लाइट इनफेंट्री दी एक टुकड़ी जिस विच 1600 जवान ते अफसर सन अते जो फील्ड विच मशकां करके अजे मसी वापस आई सी नूं तुरंत मेठ तों दिल्ली वल रवाना कर दिता सी। शाम तक यह टुकड़ी दिल्ली दी जू विच दाखल हो गई सी, पर किसी अणदसे कारण करके इस नूं कई घंटे दिल्ली दी हद उत्ते रोक लिया गया सी। रोकण दा हुक्म किसने दिता सी? यह सवाल अजे तक रहस बनिया होया है। किसी भी पड़तालिया कमिशन जां एजेंसी ने इस सवाल का जवाब लभण दी लोड़ महसूस नहीं कीती। जदों ये टुकड़ी दिल्ली छाउणी पहुंची तो रात दे 11 बज चुके सन। अगले दिन सवेरे ही इसने मेजर जे एस संधु की अगवाई हेठ अपनी ड्यूटी संभाल ली सी। इस टुकड़ी नूं दिल्ली का जो खेतर सौंपिया गया सी उत्थे इसने हिंसा उत्ते असरदार ढंग नाल काबू पा लिया सी। इसने सिखां दे काफ़ी सारे घरां ते कारोबारां नूं सड़न तों लुट्टण तों बचा लिया सी। दोपहर बाद जद ये फौजी टुकड़ी सफदरजंग डिवेलपमेंट एरिए चों लंघ रही सी तां इस नूं एक घर चों धुआं निकलदा नज़र आया। जदों इसने काली नाल उस घर वल जाण दा जतन कीता तां अचानक किसी खुफिया एजेंसी का एक अफसर इसका राह मल के कहण लगा कि फौज नूं दखल देण दा कोई आदेश जारी नहीं सी होया। जद उस अणजाणे अफसर ने अपनी कार नाल फौजी दस्ते दा जबरदस्ती राह रोकना चाहिया तां उस नूं राह चों पासे हटाउण लई मेजर संधु नूं गोली चला देण दा डरावा देना पिया सी। इस नाल उह अफसर तां उसे मौके रस्ते तों लांभे हो गया सी अते फौज ने जल रहे घर दा समान ते इस दे मैंबरां दी जान भी बचा ली सी, पर इस तों बाद जो भाणा वापरिया वह बहुत भावमई सी।
करीब एक घंटे के अंदर ही मेजर संधु ने अपने फौजी दस्ते समेत फौरन बैरक भाव छाउणी च वापस चले जाण दा आदेश मिल गया सी। उस तो बाद जिनी देर तक दिल्ली अंदर वैशियाना कतलेआम का सिलसिला चलता रहा उन्नी देर उस फौजी दस्ते नू छाउणी अंदर ही रोकी रखिया गया सी। अजिहा किस दे हुक्मां नाल होया अते ओ सर्वशक्तिमान अफसर कौन सी जिस दी शिकायत उते फिरकू हिंसा नू रोकण दे सुहिरद जतन कर रही उस फौजी टुकड़ी नू फुरती नाल हटा लिया गया सी। किसी भी पड़तालिया कमिशन ने अजे तक इन्हां रहस्यमई सवालों का कोई जवाब नहीं दिता। जनरल के सुंदर जी ने सेवा मुक्त होने तो बाद कंवर संधु संपादक हिंदुस्तान टाइम्स को यह भेद उजागर किया सी कि इंदिरा गांधी के कतल हो जाने मौके वह पुणे विच सी। ज्यों ही उसनों दिल्ली अंदर हिंसक वारदातां शुरू हो जाने की खबर मिली तो उसने फौरन दिल्ली पहुँचने लई हवाई जहाज की मांग की सी, क्योंकि पछमी कमांड का मुखी जनरल अफीसर इन कमांड होने के नाते दिल्ली उसके कार्य खेत्र विच आउंदा सी। उसने दसिया कि उसनू हवाई जहाज मुहैया करने विच चौखी देरी की गई सी। बहाना यह लाया गया सी कि छेती ही होण जा रही इंदिरा गांधी दियां अंतम रस्मां की वजह करके अहम व्यक्तियों की वड्डे पैमाने ते आवाजाई दे प्रबंध करने पै रहे सन। सो इत्थे फिर भारत दे हाकमां नू सिखां दियां जानां ते जायदादां नू निगल रही फिरकू हिंसा की अग उत्ते काबू पाउण नालों इंदिरा गांधी दियां अंतम रस्मां दे इंतजामां दा फिकर वधेरे सी। जनरल सुंदर जी ने दसिया कि अखीर विच जदों ओह कुछ घंटियां बाद दिल्ली पुज्जा तां उसने फौज दे दस्तियां दी तैनाती दा मुआयना करना चाहिया। उसकी इच्छा सी कि तैनात किए गए फौजी दस्तियां दे ठिकाने पुलिस थाणियां दे नेड़े ही स्थापित किए जाण तां जो दोवां फोर्सां दा आपसी तालमेल ते सहयोग आसान हो सके। पर ऐन उस वेले उसनू छेती नाल चंडी मंदिर दे कमांड हैडक्वाटर पहुँचण लई कहा गया तां कि जेकर पंजाब अंदर हिंसा भड़क उठती सी तां उसनू छेती नाल दबा दिता जांदा। उसनू कहा गया सी कि वह दिल्ली की चिंता ना करे, दिल्ली का ख्याल जो दिल्ली बैठे सन वह आपे कर लैणगे। उसने कहा कि मैनू बाद विच जाके महसूस होया कि जदों दिल्ली जिथों मैनू परां भेज दिता गया जल रही सी तां उस वेले मैं पंजाब विच जिथे कि बेचैन चुप पसरी हुई सी फौजां तैनात कर रहा सां। एक करनल जो कि उस वेले शाहजहांपुर विखे 6 डिवीजन हैडक्वाटर विच ड्यूटी उत्ते सी ने भी कंवर संधु कोल यह रहस प्रगट किया सी कि इंदिरा गांधी नू कतल कर देने की घटना भावें 31 अक्तूबर की सवेर नू ही वापर गई सी पर उन्हां नू फौज का एक ब्रिगेड दिल्ली भेजण का हुक्म दूजे दिन शाम तक जाके मिलिया सी। उसका भी उही उलामा सी कि वह तो तद्दी नाल 4 घंटियां विच उस रात ही दिल्ली अपड़ गए सन, पर उन्हां नू जदों अगली सवेर तक जमुना पार के इलाकों विच भेजिया गया तो उदों तक पहला ही ढेर सारी तबाही हो चुकी सी। कंवर संधु ने फौज तैनात करने लई अपनाई गई समुची पहुँच ते विधि बारे कई अहम सवाल खड़े किए हैं, जिमें कि दिल्ली छाउणी विच मौजूद फौजी टुकड़ियां नू छड़ के दूर दुराडियां थावां तों फौज बुलाउण दी की तुक बणदी सी। इह गल मंनदे होए भी कि दिल्ली स्थित पैदल फौज का ब्रिगेड राजस्थान अंदर मशकां करन गया होया सी, कंवर संधु अनुसार फिर भी दिल्ली अंदर किसी एक जां दूजे रूप विच दो ब्रिगेड जिवें कि एयर डिफेंस दियां टुकड़ियां TA बटालियना ते राजपूताना राइफल्स सेंटर आदि भली भांत मौजूद सन जिन्हां दी असरदार वरतों की जा सकती सी। फौरी प्रभाव पाउण लई राज राइफल्स सेंटर दे ट्रेनिंग लै रहे 2000 तों वध जवानां नूं फ्लैग मार्च आदि लई सौख नाल वरत्या जा सकदा सी।
दूजा शाहजहानपुर तो दिल्ली का रस्ता 8 घंटिया का है, जबकि मेठ वांग हिसार तो दिल्ली अपड़न नू 2 घंटिया तो वध समा नहीं लगता। फिर शाहजहानपुर की बजाए फौरी तौर पर हिसार तो फौज क्यों ना बुलाई गई। मेजर जनरल मरहूम हिम्मत सिंह गिल ने लिखा है कि फौज के जिन्हों अफसरों नू दिल्ली अंदर दंगियां नू काबू करन दा कार्ज सौंपिया गया सी, मैनू उन्हां कोलों चोखियां गल्लां दा पता लग्या है। पहले 2 दिन फौज नू जाम करी रख्या गया सी। गुरदेव गरेवाल ने जनरल हिम्मत सिंह गिल दे इस प्रभाव निर्णय नू होर अगे लिजांदे होए ये उचित नुकता उभारिया है कि जदों तां दरबार साहब उत्ते हमला करना सी उदों तां मेठ तों 9 माउंटेन डिवीजन नू झट अमृतसर भेज दिता गया सी, पर हुण जदों दिल्ली अंदर सिख मारे ते साड़े जा रहे सन तां हाकमां ने किवें इस डिवीजन की याद ही भुला छड्डी सी। लेखक सरदार अजमेर सिंह, आवाज़ भाई गुरजंट सिंह रूपोवाली। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। पूरी किताब सुन वास्ते चैनल गुरजंट सिंह रूपोवाली सबसक्राइब करो।